नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, HIV स्पेशलिस्ट। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ HIV के बारे में बात करने आई हूँ। प्रेप क्या है? प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। बड़ी सारी क्वेरी लोगों की आई है मेरे पास कि क्या होती है, कैसे लेनी चाहिए। तो प्रेप का क्या मतलब है और किसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए, जो भी प्रेप का मतलब होता है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, मतलब अगर एक्सपोजर होने से पहले ही कोई दवाइयाँ शुरू की जा सकें जिससे कि HIV ट्रांसमिशन रुक जाता है, तो उसको हम प्रेप कहते हैं। किन लोगों के लिए प्रेप बना है? जनरली अगर आप देखेंगे, जिस तरह से ये होता है कि पहले से आपने तैयारी कर ली है, पहला सबसे बड़ा ग्रुप होता है जिनके लिए प्रेप इम्पॉर्टेंट है, वो है डिस्कॉर्डेंट कपल। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं जिनमें से एक पार्टनर पॉजिटिव है और एक पार्टनर नेगेटिव है। तो जब वो बच्चे की प्लानिंग करना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही वो अपना बच्चा कर सकते हैं, तो उस केस में अगर एक पार्टनर का वायरल लोड बिल्कुल सप्रेस रहता है, CD4 अच्छा है, उसको कोई भी इन्फेक्शन का चांसेस, जो फर्दर ट्रांसमिट करने का चांसेस कम होता है, और तो अपने दूसरे पार्टनर जो कि HIV नेगेटिव है, उसको हम प्रेप खाने के लिए देते हैं। मेडिसिन होती है, HIV की मेडिसिन होती है, वो खाने के लिए देते हैं दूसरे पार्टनर को, जिससे कि नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो HIV को ट्रांसमिट नहीं कर सके, परंतु बच्चे के लिए तैयारी कर सके। अगर जो है, जो सीमन दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है या जो वजाइनल फ्लूइड होता है, अगर जो है दूसरे पार्टनर को लगता है, तो उससे एक दूसरे में ट्रांसमिशन नहीं हो, तो वहाँ पर हम प्रेप का यूज़ करते हैं। दूसरा प्रेप का आजकल यूज़ बहुत ज़्यादा है होमोसेक्सुअल में। होमोसेक्सुअल जो कि लोग मैन और सेक्स विद मैन, वहाँ पर जो पार्टनर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो वो कॉन्टिन्यूस प्रेप खाते हैं और वो कॉन्डम का यूज़ नहीं करते। एनल सेक्स में ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, तो कॉन्डम प्लस प्रेप इज़ अ ऑप्शन कि आप कॉन्डम भी लगा यूज़ करिए और साथ में प्रेप भी खाइए, तो ट्रांसमिशन रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस केस में प्रेप एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है और ये HIV प्रिवेंशन का एक नया टूल है, जो कि बैरियर मेथड के साथ साथ अगर यूज़ किया जाए तो ट्रांसमिशन रेट जो है अप टू 0 हो सकता है। यही जो है प्रेप का पर्पज़ है और इसी के साथ ही इसको यूज़ करना चाहिए, परंतु अपने डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेप को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिंस हैं, मेडिसिंस के अपने साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मेडिसिंस हार्मफुल हो सकती हैं। किस व्यक्ति को कौन सी प्रेप देनी है ये इंपॉर्टेंट होता है। पहले दूसरे पार्टनर की कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं उसके हिसाब से प्रेप दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके डॉक्टर अच्छे से देखते हैं और उसी के अनुसार सलाह देते हैं। तो प्रेप एक गुड ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है कमर्शियल सेक्स वर्कर के लिए, मैन हैविंग सेक्स विद मैन के लिए और डिस्कॉर्डेंट कपल के लिए। तो ये तीनों ग्रुप के लिए प्रेप एक अच्छा ऑप्शन है, इसको अपनाना चाहिए, परंतु अपने डॉक्टर की सलाह के साथ। मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, हमें लिखिए, आपको किसी भी विषय पर, जिस विषय पर भी आपको जानकारी चाहिए, उसके साथ ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ आती रहूँगी। धन्यवाद।